अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप सब ठीक ठाक है इंशाल्लाह ताला और सेरियाब है। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे वेदर शेयर किया जाए इन दो तीन दिन जो गुजरे हैं उनका। सबसे पहले तो बहुत सारी स्नो पड़ी थी और मैंने सोचा कि ना आपसे वो शेयर की जाए। और ये खूबसूरत सा वेदर मैंने लगा था 3 दिन आपके लिए रिकॉर्ड किया। जी जनाब, ये रहा 2nd दिन जहाँ पे ढेर सारी बारिश हुई और स्नो बिल्कुल गायब हो गई जैसे कि आप देख सकते हैं। और 3रे दिन माशाल्लाह से धूप निकल आई। अजीब है ना, लेकिन बहुत प्यारा है यूके का वेदर। माशाल्लाह से देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ के कुछ बहुत अच्छे क्लिप। मेरी बर्थडे थी अक्टूबर में और मैंने वो आपके लिए कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे। क्या क्या किया उस दिन हमने, चलिए आ जाइए शेयर करते हैं आपके साथ आज। Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, inchallah, et que vous êtes en super forme. Allez, c'est parti, on commence avec le vlog d'aujourd'hui. यहाँ पे हम एक्वा क्लास लेने आए थे सुबह सुबह उठ के अपनी। सबसे पहले बेसिकली पानी में एक्सरसाइज होती है। चलिए फिर चलते हैं। फिर सॉरी अंदर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं था, जो उसके समझ में भी आता है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है। यहाँ पे फटाफट से एंड पे क्लास के शावर लिया और अब हम चल रहे हैं घर। आ जाइए चलते हैं फिर फटाफट से अपना बाकी दिन भी आपसे शेयर करने। यहाँ पे हमने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट, 2 ही बनाए थे मैंने। मैंने सोचा ज़्यादा हैवी भी नहीं करना, लेकिन क्योंकि मेरी बर्थडे थी इसलिए हमारा चीट डे भी था तो हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ब्रेकफास्ट बनाना। देसी घी के साथ हम बना रहे हैं आज माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट अपना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया। मैंने अंडे में थोड़ा सा मिल्क डाला, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा सा सॉल्ट डाला। ब्रेड को दोनों तरफ से मैंने उसको भिगो दिया उसके अंदर और उसके बाद मैंने ये तवे पे आपके सामने डालने वाली हूँ, देखिए सर। और साथ में मजेदार सी हम इलायची वाली चाय भी बना रहे हैं जैसे कि आपने देख लिया होगा पीछे। Aujourd'hui, je vais vous partager ma petite journée. C'était mon anniversaire le 14 octobre. C'est cette journée-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'était parfait pour moi. Journée parfaite que je partage avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Après la piscine et notre petit déjeuner, où va-t-on? Avez-vous des idées? अच्छे से नाश्ता करने के बाद क्या लगता है आपको, हम कहाँ जाएंगे? Any guesses? चलिए मैं ही बता देती हूँ फटाफट से, बिना टाइम जाया किए हम जा रहे हैं अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने हेयर को चेंज करने के लिए। काफ़ी अर्सा हो गया था लास्ट टाइम आपको साथ लेके गई थी और सोचा क्यों ना इस टाइम भी साथ लेके जाऊँ आपको। चलिए फिर देखिए और इन्जॉय कीजिए आज का व्लॉग। हाँ, बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे मेरे बाल और मेरा न्यू हेयर कट। मुझे तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। Et oui, comme vous avez dû le comprendre, nous sommes évidemment chez le coiffeur. Allez, c'est parti pour notre transformation d'aujourd'hui. यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस बना रही थी अपनी फैमिली के लिए तो सोचा क्यों ना ये भी आपके लिए ऐड कर दूँ। फर्स्ट स्टेप तो बहुत अच्छे से हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे हमने बाल अपने वॉश करवाए। ये देखिए ऐसे लग रहे हैं, बाद में कैसे लगेंगे इसके लिए तो जनाब आपको देखना पड़ेगा पूरा व्लॉग। कुछ मत मिस करिएगा और देखिएगा कि माशाल्लाह से फाइनल रिजल्ट में ये बाल कैसे लगते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, बताऊंगी नहीं कि ऊपर मैंने क्या लगवाया, नहीं तो आपको अभी से पता चल जाएगा ना। चलिए देखिए फिर, अभी हम आ चुके हैं कटिंग की तरफ। अब बहुत अच्छे से हम अच्छा सा हेयर कट बनवा रहे हैं। Après cette superbe couleur, on passe à la découpe. Allez, c'est parti pour la nouvelle coupe. जनाब हेयर कट तो हो गया आपके देखते देखते ही, लेकिन वैसे इतना टाइम नहीं लगा था। टाइम बहुत ज्यादा लगा था, मतलब कि इतना जो शॉर्टकट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है। 3-4 घंटे आराम से बैठी थी वहाँ पे, एटलीस्ट 3 घंटे तो बैठी थी। लेकिन चलो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। अपनी बिजी लाइफ में कभी कभार अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। हो रही है हमारी ब्लो ड्राई और साथ साथ में डिसाइड हो रहा है कि हम इनको स्ट्रेट करेंगे या थोड़ा कर्ली सा लुक देंगे। हमने फिर फाइनली ये डिसाइड किया थोड़ा कर्ली सा लुक देंगे ताकि मुझे अपने लेयर्स अच्छे से नजर आ जाएं। और वो बोल रही थी कि प्यारे लगेंगे और हमें ये देखें फर्स्ट वाला लुक है। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको स्ट्रेट करवाऊंगी, तो उसके बाद हमने इनको स्ट्रेट करवाया और ऐसे लग रहे हैं मेरे बाल, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मुझे तो। आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। हम फटाफट से घर गए और घर जाने के बाद तैयार हुए, ये था मेरा लुक। और हम फिर करेंगे डिनर जो मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था। और चलिए फिर चलते हैं साथ में।
सबसे पहले तो हमने खाए गोलगप्पे। कौन कौन दीवाना है गोलगप्पे का मेरी तरह, मुझे तो माशाल्लाह से बहुत पसंद है। सबसे पहले हमने वहीं से स्टार्ट किया, के बाद हमने कुछ कबाब और अच्छी कढ़ाई माशाल्लाह से देखी कितनी जबरदस्त लगी है वो खाई। हस्बैंड ने जेली खाई और क्योंकि उनको वो पसंद है, और मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली और कुछ ही क्लिप रिकॉर्ड किए क्योंकि मोमेंट को भी तो इंजॉय करना था। हमने अभी पहुंच चुके हैं घर और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सरप्राइज मिला मुझे। माशाल्लाह 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 से अल्लाह ने सबर से बचाया। अमीन सलाम, आप भी हमारे लिए दुआ जरूर कीजिए और देखिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड ये डायलॉग क्यों मार रहे हैं, क्योंकि बीच में मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो आपको शायद सुनाई ना दिया हो। मैंने उनको बोला कि आपने क्या ये ऊपर भी लगाए तो मुझे कहते हैं इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता, तुम ज्यादा फ्री नहीं हो गई। Aussi la petite surprise de mon mari en rentrant à la maison, franchement magnifique, mashallah, mashallah, mashallah. Aur har dua ke baad jo main mangti hu, wo aaj bhi main wahi mangungi ki inshaallah taala Allah hamare rishte mein aise hi pyar, mohabbat aur barkat dali rakhe, hamari zindagiyon mein, hamari rishton mein hamesha pyar, mohabbat aur sukoon rahe. Aur Allah taala hamesha hame apne hifz-o-aman mein rakhe hamesha ki tarah. Ameen sub ameen. Ab hum aa chuke hain cake ki taraf aur mashallah se ab hum cake kaatenge aapke saath hi. Et le voilà, mon gâteau d'anniversaire, mashallah. अरे रुकिए ना, इतनी जल्दी भी क्या है केक काटने की? हर लड़की की तरह हमें भी हक है सेल्फियां लेने का। चले लेते हैं कुछ सेल्फी और फिर काटते हैं आपके साथ ही केक। Happy birthday to me. काट लिया है फाइनली हमने भी केक माशाल्लाह से। आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ आप भी। सबसे पहले बाइट तो बनता है मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह से, जिनकी बहुत मेहनत थी आज के दिन के पीछे। थैंक यू सो मच वंस अगेन उनका, हस्बैंड के साथ साथ आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका भी हमें देखने का और ढेर सारा प्यार देने का। दो में याद रखिएगा अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।